नमस्कार मुँ आशुतोष आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल क्लाउ क्लासेस को जो थे आम इंडियन ज्योग्राफी को कम्प्लीटली डिस्कसन करवा आपणकर इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक टी 13 टी लेक्चर आसो यहाँ हूँ आप प्रथम लेक्चर जो थे आम डिस्कसन करवा इंडिया फैक्ट्स एंड फिगर रेस्ट 12 लेक्चर्स आपंकर आपरे अपलोड हो तो चलतु डिस्कसन करवा आज टॉपिक को लेक्चर 1 डी इंडिया फैक्ट्स एंड फिगर उपर रो थे आम कवर करिबा स्टेट्स इन इंडिया यूनियन टेरिटरीज तापर आपण नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व मेरीटाइम बाउंड्री माउंटेन्स हिल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेशनल हाईवेज नेशनल वाटरवेज तापर आपण रहइबो टनल्स ए भावरे आपणकर इंपोर्टेंट टॉपिक सब ए वीडियो रे कवर हबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा वीडियो टी को स्टार्ट करिया पूर्वरु आपणको कहि रखियो चाहे जे आपणकर ए वीडियो टी बाइल लैंग्वेज रहइबो जो थे आप एक्सप्लेनेशन टी रहइबो ओडिया रे स्क्रिप्ट रहइबो इंग्लिश रे आउ आप होल सीरीज टी आपणकर एमसीक्यू थ्योरी डिस्कशन हबो जो थे कि आम सिंगल वीडियो रे मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर पारिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आज रही वीडियो को। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन टी रही हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया आफ्टर रिमूविंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू काश्मीर। क्वेश्चन टी कहला जम्मू काश्मीर ठारो जम्मू काश्मीर स्पेशल स्टेटस को रिमूव कला परे आपणकर प्रेजेंटली आम इंडिया रे केतोटी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अछि आरे सठिक उत्तर टी होची 28 टी स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज वर्तमान आम इंडिया रे अछि। प्रेजेंटली आम इंडिया रे 8 यूनियन टेरिटरीज रहिची जो गुडीक जम्मू काश्मीर लद्दाख दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली लक्षद्वीप पुदुचेरी आंडामान एंड निकोबर दिल्ली एंड चंडीगढ़ ये 8टा प्रेजेंटली आम इंडिया रे एग्जिस्ट कर। चलंतु 8 यूनियन टेरिटरीज को आम मैप साहाज्यरे लोकेट करिबा। प्रथम टी हला लद्दाख सेकंड जम्मू काश्मीर थर्ड आपणकर चंडीगढ़ ता पाखरे आपणकर दिल्ली एपटे पलि आसो आपणकर दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली लक्षद्वीप आंडामान निकोबर आपण रहा पुदुचेरी 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टी कही आरेंज द फॉलोइंग कैपिटल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कैपिटल मान ना दी ईस्ट रु वेस्ट को आरेंज करार अच्छी जो आपणकर रही ईटानगर सेटा होची अरुणाचल प्रदेश रो कैपिटल दिसपुर होची आसाम रो शिलंग होची मेघालय रो अगरतला होची त्रिपुरा रो। तो क्वेश्चन टी को सॉल्व करिया पूर्वरु मु आपन को मैप रे देखाइबा चाहूची जे को स्टेट कैपिटल टा को जगह रे लोकेट करुची बुझी पारले। तो चलंतु मैप आड़ को जीवा। तो आपन जो रही ईटानगर सेटा आपण अरुणाचल प्रदेश अच्छी जोटा कि ये लोकेट करे तापर आपणकर दिसपुर तापर आसीगला आपण शिलंग तापर आसला अगरतला। तो आपणकर जदि ईस्ट टू वेस्ट को आम आरेंज करुचे तेल आपणकर ईस्ट रे आसीबो प्रथमे ईटानगर तापर आसीबो आपण दिसपुर तापर आसीबो आपण शिलंग तापर आसीबो आपण अगरतला बुझी पारले। तो चलंतु देखिबा आंसर टी कोन हबो। प्रथम हम आपणकर ईटानगर तापर हम आस दिसपुर तापर शिलंग तापर अगरतला ए बी सी डी देखते ऑप्शन रे कोटा हम ऑप्शन रे ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बुझी पारले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा। तो क्वेश्चन टी कही आट प्रेजेंट हाउ मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन इंडिया। वर्तमान इंडिया रे केतोटी नेशनल पार्क आउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी। तो आर सठिक उत्तर टी होची ऑप्शन बी 104 नेशनल पार्क एंड 566 होची आपणकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुझी पारले। 104 होची आपणकर नेशनल पार्क 566 होची आपणकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलंतु इंडिया रे नेशनल पार्क विषय मु किछरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कहूँ जोटा कि आपणकर एग्जाम पढ़वार चांसेस थाए। तो आपण ध्यान देखिए शुणु इंडिया रो फास्ट
एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ना होची जिम कॉर्बेट। कौन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा कि आपणकर उत्तराखंड रे रही बुझिपारे जोटा कि आपणकर 1936 रे एस्टाब्लीश होता बुझिपारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 उत्तराखंड बुझिपारे। तो चलतु नेशनल पार्क आउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विषय में मुझे कि एक्स्ट्रा पॉइंट कहूँ जोटा कि आप नोट करूँ आपणकर एग्जाम काम आसो आपण जो रही वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने आम इंडियन गवर्नमेंट केतोटी प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट कर कौन कर प्रोटेक्टेड एरियाज जोटा कि आपणकर तीन टा कैटेगरी डिवाइड होती प्रथम है बायोस्फीयर रिजर्व सेकेंड हूँ आपणकर नेशनल पार्क थर्ड हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फास्ट कौन बायोस्फीयर रिजर्व सेकेंड हूँ नेशनल पार्क थर्ड हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपण जो बायोस्फीयर रिजर्व टी अच्छी सीटा हूँ सबुठ बड़ ता भितर आसब आपणकर नेशनल पार्क ता भितर आसब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुझिपारे बायोस्फीयर रिजर्व हूँ सबुठ बड़ ता भितर आसब आप नेशनल पार्क ता भितर आसब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुझिपारे। आउ कि एक्स्ट्रा पॉइंट कह रखुच्छी जोटा कि आपणकर एग्जाम आसपे ध्यान रखु आपण जो रही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन फ्यूचर रे अपग्रेड होकर नेशनल पार्क हो पार किंतु नेशनल पार्क केबे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो पार ना सेमती नेशनल पार्क इन फ्यूचर बायोस्फीयर रिजर्व हो पाए किंतु बायोस्फीयर रिजर्व केबे नेशनल पार्क हो पारे बुझिपारे कथा कौन कौन बस चलतु कहला बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे गोटे सेपरेट भिडियो ये तीन टा को कवर करी जो थे आपणकर इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क आउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसीबो जोटा कि आपणकर एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहिबो। तो आपको जस्ट मुझे रखा चाहूँगी जी भिडियो आम इंडिया 104 नेशनल पार्क आउ 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी। तो चलतु देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही आपण नेक्स्ट क्वेश्चन टी है ह्वाट इज द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आम इंडिया रे वर्तमान केतोटी बायोस्फीयर रिजर्व रही ऑप्शन अच्छे 15, 16, 17, 18 आर राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी 18। तो चलतु मैप साहय देखा 18 टी बायोस्फीयर रिजर्व रो लोकेशन प्रथम टी हूँ कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश नंदा देवी उत्तराखंड कंचनजुंगा सिक्किम मानस हूँ आसाम दिबू साइकोबा आसाम दिहांग दिबांग हूँ अरुणाचल प्रदेश नर्क्रेक हूँ मेघालय तापर आसा सुंदरबन वेस्ट बेंगल सिमिलपाल हूँ ओडिशा अमरकंटक छत्तीसगढ़ पंचमारी हूँ मध्यप्रदेश पन्ना हूँ मध्यप्रदेश रन अफ कच्छ हूँ आप गुजरात तापर आसीगला एपटे शेषाचलम आंध्र प्रदेश तापर आसीगला नीलगिरी हूँ आपणकर तीन टा स्टेट कम्बिनेसन आसे आप नीलगिरी अगस्तमलाई आसो आपणकर तमिलनाडु तापर आसो गल्फ अफ मन्नार तापर आसो ग्रेट आंडामान कह पारती ग्रेट निकोबर जोटा कहे आपण आंसर ठीक हम ये हूँ आपणकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन बुझिपारे। तो चलतु देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन कही क्वेश्चन टी है आरेंज द गिवन बायोस्फीयर रिजर्व इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन आपन को 4 बायोस्फीयर रिजर्व ना दी ताको क्लॉक वाइज डायरेक्शन रे आरेंज कर अच्छी क्वेश्चन टी सॉल्व करने पूर्व आपन को सब बायोस्फीयर रिजर्व रो पर्टिकुलर लोकेशन टी को जानार अच्छी ताहले ही तापर ही आपन ए क्वेश्चन टी को सॉल्व कर पारे। तो चलतु क्वेश्चन सॉल्व करवा जो आपणकर रही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से आपणकर ए तीन टी स्टेट रो ए मिड पॉइंट रे आपण नीलगिरी टी फल करे तापर आपण जो रहिला अगस्तमलाई ता लोकेशन टा होची एठी तापर गल्फ ऑफ मन्नार लोकेशन टा होची एठी तापर शेषाचलम होची आपणकर एठी क्वेश्चन कहि आपण को क्लॉकवाइज डायरेक्शन जदि आमे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को स्टार्टिंग पॉइंट हिसाब रे नो ताले आपणकर प्रथमे आसीबो नीलगिरी तापर शेषाचलम तापर गल्फ ऑफ मन्नार तापर आसीबो अगस्तमलाई प्रथम को आसीबो नीलगिरी शेषाचलम गल्फ ऑफ मन्नार देन अगस्तमलाई। तो चलते देखिए क्वेश्चन को जीवा
क्वेश्चन अच्छी प्रथम आसव कौन नीलगिरी देन शेषाचलम देन आसव गल्फ अफ मन्नार देन आसव अगस्त्य मलाई माने आपणकर ए डी सी बी देखते ऑप्शन कौन अच्छी ए डी सी बी ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन कही तो आप क्वेश्चन टी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स मैक्सिमम मेरीटाइम बाउंड्री विथ बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल सांगे आंग भितर कौ स्टेट टी मैक्सिमम मेरीटाइम बाउंड्री शेयर करे आप जानते जो बे ऑफ बंगाल टी आप इंडियन मैप्र ईस्टर्न साइड्रे फल करे कौ साइड्रे ईस्टर्न साइड्रे तो जो गुजरात और महाराष्ट्र अच्छे एम ए दुज होती वेस्टर्न साइड स्टेट कौ साइड स्टेट वेस्टर्न साइड स्टेट तो ऑटोमेटिकली गुजरात और महाराष्ट्र ए दुईटा ऑप्शन आपंकर ए क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा आपंकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जदि आपंकर मैप उपरे इंडियन मैप उपरे भल नॉलेज अच्छी तेल आप क्वेश्चन को इजिली करें तो से आपण को मु रिक्वेस्ट करे आप जो पढ़ुंट ता सामने आपन गोटे इंडियन मैप रो इंडिया रो फिजिकल मैप को लगे दिंतु जिते बड़े टाइम मिलूँ आपन ताको जस्ट देखंतु किछ समय देखंतु ऑटोमेटिकली किछ दिन परे आपन करो को जगह रे को स्टेट टी अछि को स्टेट केतरा बाउंड्री शेयर करछि ऑटोमेटिकली आपन करो मन रही जीव बुझि पाले तो आपन करो जो तमिलनाडु अछि से बे ऑफ बंगाल संगे 1076 किलोमीटर मेटे बाउंड्री शेयर करे जो आंध्र प्रदेश 976 किलोमीटर शेयर करे गुजरात टी आपणकर 1600 शेयर करे जो आप महाराष्ट्र 720 किलोमीटर शेयर करे तो ऑटोमेटिकली आपणकर दुईटा ऑप्शन जेतु कटि जाउची ऑप्शन ए ऑप्शन बी रहउची बाकी जोथरे आपणकर तमिलनाडु होउची राइट आंसर बुझि पारले ए क्वेश्चन राइट आंसर होउची तमिलनाडु जे कि आपणकर 1076 किलोमीटर मेरीटाइम बाउंड्री शेयर करे का संगे बे ऑफ बंगाल संगे बुझिपारे जदि क्वेश्चन टी कही था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर मैक्सिमम मेरीटाइम बाउंड्री ताले आपण आंसर टी था गुजरात बुझिपारे तो क्वेश्चन टाक प्रथम मैप थ्रू सॉल्व करवा को स्टेट बे ऑफ बंगाल संगे केते मेरीटाइम बाउंड्री शेयर कर आप जो तमिलनाडु रहा तमिलनाडु 1076 किलोमीटर शेयर कर आंध्र प्रदेश 976 किलोमीटर शेयर कर दुटा हूँ आपंकर बे ऑफ बंगाल सागर शेयर करो सांगे सागर बे ऑफ बंगाल सागर आपटे आसा आप आरबेन्सी आरबेन्सी सागर आपणकर गुजरात टी 1600 किलोमीटर शेयर कर महाराष्ट्र 720 किलोमीटर शेयर करेतु आपणकर क्वेश्चन टी बे ऑफ बंगाल सागर कौ स्टेट टी आपर मैक्सिमम मेरीटाइम बाउंड्री शेयर करेंगे आपंकर आंसर टी हो तमिलनाडु जदि क्वेश्चन टी कही था किसी जदि किसी मेनसन कर नाता क्वेश्चन तेल आप आंसर टी होता गुजरात जे कि आपंकर 1600 किलोमीटर मेरीटाइम बाउंड्री शेयर करे क्या सागर आरबियन सी सागर बुझिपारे ए क्वेश्चन राइट आंसर टी होची ऑप्शन ए तमिलनाडु तमिलनाडु कैपिटल होची चेन्नई आंध्र प्रदेश अमरावती गुजरात गांधीनगर महाराष्ट्र मुंबई आउ गोटे कथा जो आंध्र प्रदेश टी रही आंध्र प्रदेश इंडिया फास्ट स्टेट जे कि ता स्टेट रे तीनटा कैपिटल करिया पई प्रपोज करिछि से गुड़ी को हला आपणकर विशाखापट्टनम आपणकर विशाखापट्टनम अमरावती आपणकर कर्नूल कौन कौन विशाखापट्टनम अमरावती कर्नूल चलो मैप देखिबा आपणकर एठी हला विशाखापट्टनम मिडिल अमरावती साइड आपणकर कर्नूल जो आपणकर रहिबो विशाखापट्टनम टी आपणकर एग्जीक्यूटिव कैपिटल हबो आपणकर अमरावती टी हबो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो आपणकर रहिबो कर्नूल टी सेटा होछि आपणकर जुडिशियल कैपिटल तो एपरि भाबरे इंडिया रे फास्ट स्टेट होछि आंध्र प्रदेश जे कि ता स्टेट रे तीनटा कैपिटल पई प्रपोज करछि बुझि पारले तो चलन देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन कहिछि क्वेश्चन टी हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आपणकर यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आंक भितर कोटा ऑप्शन ए अच्छी आरावली सेकेंड हिमालयन पीर पंजाल काराकोरम तो आर राइट आंसर होची ऑप्शन बी हिमालया हिमालयन माउंटेन होची आपणकर यंगेस्ट माउंटेन जदि क्वेश्चन कहता ओल्डेस्ट माउंटेन कोटा ओल्डेस्ट माउंटेन तेल आपणकर आंसर टी होता आरावली
आरावली होची आपणकर इंडिया रो सबुठारो ओल्डेस्ट माउंटेन आ आपणकर हिमालयन टी होची आपणकर यंगेस्ट माउंटेन बुझी पाले। आ आपणकर जो रहिला आरावलीटा सेटा आपणकर ब्लॉक माउंटेन कैटेगरी आसे को कैटेगरी रे ब्लॉक माउंटेन कैटेगरी रे हिमालयन टा आसे आपणकर फोल्ड माउंटेन बुझी पाले। फोल्ड माउंटेन आ ब्लॉक माउंटेन टॉपिकटा मुझे आपको लैंडफॉर्म विषय में पढ़ेबी से ब्रॉडली आ विषय डिस्कशन करी जस्ट एवं जानी था आप टर्म जानी था गोटे फोल्ड माउंटेन आ ब्लॉक माउंटेन बोली किसी जिनसटे अच्छी बुझीपारे आर डिटेल टॉपिकटा आप फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन आसो से आपको डिटेल पढ़े बुझीपारे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम आंक भितर को रिवरटा गंगा रिवर सिस्टम रो पार्ट नुह बुझीपारे। क्वेश्चन टी कौन कही क्वेश्चन टी आई दूसरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम तो आपन को क्वेश्चन टा क्वेश्चन टी सॉल्व करने पूर्व मुझे ट्रिब्यूटरी विषय में किसी पॉइंट कह चाहे जो थे आपन को किसी आइडिया हो ट्रिब्यूटरी माने कौन तो आपणकर ट्रिब्यूटरी माने होची हेल्पिंग स्ट्रीम STREM स्ट्रीम सहायक धारा सपोज यहाँ हूँ आपणकर गंगा रिवर यहाँ हूँ आपणकर गंगा रिवर एपट आप गोटे रिवर आसला एपट आ गए आप रिवर आसला ये दुजन मिसिक आप गंगा रिवर को बहबारे साजे तो ये दुटा रिवर होती आप गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी बुझीपारे एटा गोटे रिवर एटा गोटे रिवर ये दुजन मिसीगले आ गंगा रिवर मिसीगले जो आप गंगा टी बहुला ये गंगा साए मिसिक गंगार फ्लो को आहरी आगे नहींगले तो ये दुजन हूँ आप दुईटे रिवर हूँ आप ट्रिब्यूटरी बुझीपारे। तो आप क्वेश्चन टी है आंक भितर कौटा गंगा रिवर सिस्टम रो पार्ट नुह एमती कहीपारती आप को रिवर टी आप गंगा रिवर सिस्टम रो ट्रिब्यूटरी नुह आ राइट आंसर हूँ केन केन टी आप गंगा रिवर सिस्टम रो ट्रिब्यूटरी नुह जो आप केन टी अच्छी केन हूँ आप यमुना रिवर रो ट्रिब्यूटरी बुझीपारे। आप जो रही गोमती कोशी और यमुना से हूँ आप गंगा रिवर रो ट्रिब्यूटरी बुझिले जो आप जो आपणकर गंगा रिवर टी रहा ए गंगा रिवर टी तार ओरिजिन प्लेस हूँ आपणकर मानसरोवर लेक नियर गंगोत्री ग्लेशियर कौटी आप गंगोत्री ग्लेशियर जोटा कि आप उत्तराखंड में फल करे जितेबले आप गंगोत्री ग्लेशियर रो जो आइसटा मेल्टिंग करी जो स्ट्रीमटा बाहर तार ना हूँ भागीरथी बुझिपारे भागीरथी रिवर कौन भागीरथी रिवर बुझिपारे भागीरथी रिवर जितेबले आसला गंगोत्री ग्लेशियर रु परवर्ती समय रे एपट अलकनंदा मिसिब और भागीरथी रिवर मिसिब आंक दुजर मिसला पर जो रिवर टी सृष्टि हुए ता ना हूँ गंगा बुझिपारे एपट आसला आप अलकनंदा एपट आसला आप भागीरथी ए दुजन ये मिसिक आ गए नुआ स्ट्रीम या करेंगे से स्ट्रीम ना हूँ आप गंगा जो आप जो मीटिंग पॉइंट है मिड पॉइंट आप मिड पॉइंट नाटा हूँ आप देवप्रयाग कौन देवप्रयाग रे गंगा रिवर ओरिजिन बुझीपारे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन कही क्वेश्चन टी है द इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज बर्न बिसाइड द रिवर इंदस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस बुझीपारे। क्वेश्चन टी कौन कही क्वेश्चन टी कही आप जो इंदस वैली सिविलाइजेशन टी आप इंदस रिवर साइड रे ही गड़ी उठी था तो क्वेश्चन टी है इंदस रिवर रो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौटा ये आप एक्सट्रा इनफर्मेशन दी जाइए जो आप पढ़े नहीं इग्नोर करेंगे एग्जाम आप जस्ट फोकस करेंगे क्वेश्चन टी कौन कही मेनली क्वेश्चन टी कौन कही तो क्वेश्चन टी कही इंदस रिवर रो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौटा ऑप्शन अच्छे झेलम रबी सतलुज छेनाब बुझीपारे कौन अच्छे ऑप्शन झेलम रबी सतलुज छेनाब तो आर राइट आंसर होची ऑप्शन ए झेलम
झेलम होची आपणकर रिवर इंदस रो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बुझी पल्ले एटा हला आपणकर गोटे टाइप रो क्वेश्चन जदि क्वेश्चन पचारिवो नॉर्थ रु साउथ को जो रिवर मानक ना दे छि ताको अरेंज कर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तले आपण कोन करिवे सेति पई आपण को रिवर मानकर प्रॉपर लोकेशन को जगह रे केमती फ्लो करचंती ताको आपण को जानय पडिवो सेति पई आपण को ए क्वेश्चन टी तयार करै दिला बुझी पाले आपण को जो इंदस रिवर टी अछि प्रथम आपण इंदस रिवर आसीबो तापर आसीबो आपण को झेलम तापर आसीबो आपण को छेनाब तापर आसीबो आपण को रबी तापर आपण को आसीबो ब्यास आ सतलुज मिसिबे तापर एठी को आपण को मिसि जिवे बुझी पाले प्रथम आसीबो आपण कोन इंदस तापर आसीबो आपण को झेनाब झेलम तापर आसीबो छेनाब तापर आसीबो रबी तापर आसीबो ब्यास तापर आसीबो सतलुज बुझी पाले यदि क्वेश्चन टी एम्ती पड़िबो तले आपण को ए हिसाब रे सॉल्व करबा को अछि बुझी पाले तो आपण को ए क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन ए झेलम चलन तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन कहिछि क्वेश्चन टी हला इंडियास सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार यदि आम अंडमान एंड निकोबार को इनक्लूड करिबा तले इंडिया रो सदर्न मोस्ट पॉइंट कोटा ऑप्शन अछि इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल किबिटू गौरमोटा बुझी पाले क्वेश्चन टी कोन कहिछि क्वेश्चन टी कहिछि आपणकर सदर्न मोस्ट पॉइंट कोटा यदि आम अंडमान एंड निकोबार को इनक्लूड करू बुझी पाले आर राइट आंसर होची ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट होची आपणकर सदर्न मोस्ट पॉइंट यदि आम अंडमान एंड निकोबार को इनक्लूड करू बुझी पाले चलंतु देखिबा मैप रे आपणकर इंदिरा पॉइंट टी कोटी फॉल करची इंदिरा पॉइंट टी अछि सेटा आपणकर ग्रेट निकोबार आइलैंड रे फॉल करे को जगह रे ग्रेट निकोबार आइलैंड जोटे आप जगह अच्छे बुझी पाले आ जो जो रहिला आपण इंदिरा कोल होची आपणकर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कोट इंदिरा कोल होची आपणकर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जोटा कि आपणकर लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर रे फॉल करे और आपण जदि कहिबा गले आपणकर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होची आपणकर गौहरमती कोन गहरमती जोटा कि आपणकर कच्छ डिस्ट्रिक्ट रे फॉल करे आ रहिला आपणकर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होची आपणकर किबिथु जोटा आपणकर अरुणाचल प्रदेश रे फॉल करे बुझी पाले चारटा ऑप्शन चारटा आंसर बुझी पाले आते कह दोची आपणकर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होची आपणकर किबिथु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होची आपणकर गौरमती जोटा आपणकर कच्छ डिस्ट्रिक्ट रे फॉल करे आउ आपणकर सदर्न मोस्ट पॉइंट होची आपणकर इंदिरा कोल जोटा आपणकर ग्रेट निकोबार आइलैंड रे फॉल करे आउ आपणकर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होची आपणकर इंदिरा कोल जोटा आपणकर सियाचिन ग्लेशियर रे फॉल करे आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंड बाउंड्री विथ नाइबर स्टेट आंक भितर कौ स्टेट टी तांकर नाइबर स्टेट सांगे मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर करे ऑप्शन अच्छे आपण आसाम मध्यप्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश आर राइट आंसर होची ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश बुझी पाले तो चलतु आसाम राज्य आपणकर आठटा नाइबर स्टेट सांगे बाउंड्री शेयर करे मध्यप्रदेश पांचटा बिहार तीनटा आपणकर उत्तर प्रदेश नौटा बुझी पाले आठ पाँच तीन नौ चलतु मैप थ्रो रे देखिबा उत्तर प्रदेश केमती नौटा बाउंड्री शेयर करुची आपणकर एटा हला उत्तर प्रदेश तापरे आपणकर एटा हला आपण उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश न्यू दिल्ली हरियाणा राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एमती चलतु आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन टी हला नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इट कनेक्ट्स हाउ मेनी इंडियन स्टेट आपणकर नेशनल हाईवे 44 होची लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया सेटा आपणकर केतोटी स्टेट को कनेक्ट करे आर राइट आंसर होची ऑप्शन डी 13 13 टी इंडियन स्टेट को से कवर करे बुझी पाले देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକରି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଶେଷ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 13ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ୱେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ୱେ 2 ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଭରରେ ବେସ୍ କରିଛି? ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ୱେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ୱେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସାମରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? ଆସାମରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ୟମୁନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ନର୍ମଦା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଦେଟ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଅଛି IST, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମିର୍ଜାପୁର, ନାସିକ, ଜୟପୁର। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମିର୍ଜାପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଫଲ୍ କରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମିର୍ଜାପୁର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ନୌଟି ରହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାପିଟାଲ, ମିର୍ଜାପୁର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ନାସିକ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜୟପୁର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଜୟପୁର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ପିଙ୍କ ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ନାସିକ, ନାସିକ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 2ଟା କରେନ୍ସି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ନାସିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦେୱସ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଗିଭେନ୍ ହିଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ। କ'ଣ କହିଛି? ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ହିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ହିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆରାବଳି ହିଲ୍, ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ ହିଲ୍, ସାତପୁରା ହିଲ୍, ସାତମାଳା ହିଲ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆମକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ଆସିବ, ତାପରେ କେଉଁଟା ଆସିବ, ତାପରେ କେଉଁଟା ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ହିଲ୍ଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକେଟ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆରାବଳିଟା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ ଆଉ ସାତପୁରା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ, ତାପରେ ଆସିବ ସାତପୁରା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ ଆଉ ସାତପୁରା ଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗେପ୍ଟା ଅଛି, ସେ ଗେପ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା ରିଭର୍ ଫ୍ଲୋ କରେ। କେଉଁ ରିଭର୍? ନର୍ମଦା ରିଭର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରେ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ? ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋ କରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେନ୍ଲି 3ଟା ରିଭର୍ ଅଛି ଯାହାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା ରିଭର୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମାହି ରିଭର୍, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାପି ରିଭର୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ନର୍ମଦା, ମାହି ଆଉ ତାପି ଏ 3ଟା ରିଭର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାତମାଳା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଫଲ୍ କରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆରାବଳି, ତାପରେ ଆସିବ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ, ତାପରେ ଆସିବ ସାତପୁରା, ତାପରେ ଆସିବ ସାତମାଳା, ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ଆରାବଳି, ତାପରେ ଆସିବ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ, ତାପରେ ସାତପୁରା, ତାପରେ ସାତମାଳା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କ'ଣ, ଆରାବଳି, ତାପରେ ଆସିବ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଲ, ସାତପୁରା, ଦେନ୍ ସାତମାଳା। 1, 2, 3, 4 ଆନ୍ସର ହେବ 1, 2, 3, 4। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ତ ଅପସନ୍ରେ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1, 2, 3, 4, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହିଛି, ଅଟଲ ଟନେଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାସ୍। କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଲ ଟନେଲ୍ଟା ଲୋକେଟ୍ କରେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି ବାରାଲାଚେଲା ପାସ୍, ରୋହତାଙ୍ଗ ପାସ୍, ନାଥୁଲା ପାସ୍, ବମଡ଼ିଲା ପାସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଆପଣ ବାରାଲାଚେଲା ପାସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ରୋହତାଙ୍ଗ ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଥୁଲା ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିକିମ୍, ବମଡ଼ିଲା ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବାରାଲାଚେଲା ପାସ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରୋହତାଙ୍ଗ ପାସ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଥୁଲା ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିକିମ୍,
ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ, କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ ଯାଇଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ବମଡ଼ିଲା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ରୋହତଙ୍ଗ ପାସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ରୋହତଙ୍ଗ ପାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ଟନେଲ୍ଟା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋହତଙ୍ଗ ପାସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ସିଚୁଏଟ୍ କରେ। କେଉଁଥିରେ? ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋହତଙ୍ଗ ପାସ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଲ ଟନେଲ୍ଟା ଲୋକେଟ୍ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ଅଟଲ ଟନେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9 କିଲୋମିଟର, ତା'ର ଲେନ୍ଥଟି ରହୁଛି 9 କିଲୋମିଟର, 10,000 ଫିଟ୍ ଏଭବ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଁଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆର ଲେନ୍ଥଟା ହେଉଛି 9 କିଲୋମିଟର, 10,000 ଫିଟ୍ ଏଭବ୍ର ଅଛି ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ରୋହତଙ୍ଗ ପାସ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ସିଚୁଏଟ୍ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ରିଭର୍ଟା ଯିଏକି ତା'ର ଅରିଜିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ ରୁ ୱେଷ୍ଟ, ସେ ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଜାଗାର ପିପଲ୍ ମାନେ ଏଇ ରିଭର୍ର ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଙ୍ଗ ଦ ଏଭବ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ରିଭର୍ଟା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଲ୍ଭ କରିବା। କହିଛି କ'ଣ, ଅରିଜିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟୁ, ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀଟି ବାହାରେ ଆଉ ନର୍ମଦା ରିଭର୍ ବାହାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି କଟିଯିବ, ରହିଲା କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ଅପସନ୍ ସି। ସେ କହିଛି ଯେ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ, କେଉଁଠୁ ଫ୍ଲୋ କରେ? ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋ କରେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାନଦୀଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ବି କଟିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଅପସନ୍ ସି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର୍ଟା ଅଛି, ଗୋଦାବରୀ ରିଭର୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେଟ୍ କହିଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର୍, ଯାହାର କିଲୋମିଟର ହେଉଛି 1464। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଯାହାର କିଲୋମିଟର ହେଉଛି 890 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଯାହାର କିଲୋମିଟର ହେଉଛି 1312। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର୍, ଯାହାର କିଲୋମିଟର ହେଉଛି 1300। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ନର୍ମଦା ସେକେଣ୍ଡ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଥାର୍ଡ଼, ମହାନଦୀ ଫୋର୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଦାବରୀ, ମହାନଦୀ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ନର୍ମଦା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଗୋଦାବରୀ ରିଭର୍ଟା, ଗୋଦାବରୀ ରିଭର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକରି ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫଲ୍ କରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକରି ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫଲ୍ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ନର୍ମଦା, ନର୍ମଦା ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇକରି ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ଆରବିନ୍ ସିରେ ଫଲ୍ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର୍ଟି, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକରି ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫଲ୍ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନର୍ମଦା ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଧା ପାଟକର
ताकु लेट करथिले कोन पई लेट करथिले नर्मदा रिवर रे आपनकर डैम न तैयारी करिया पई बुझी पाले। तो चलन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन कहिछि। क्वेश्चन टी कहिछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। आंको भितरु को नेशनल पार्क किंबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिग्री क्रॉस करे बुझी पाले। जो आपनकर अछि बांधवगढ़ नेशनल पार्क सेटा होछि आपनकर मध्य प्रदेश, नेत्रावली गोवा, पन्ना होछि आपनकर मध्य प्रदेश, कुनो होछि आपनकर गोवा बुझी पाले। तो आर ए क्वेश्चन रो राइट आंसर टी होछि ऑप्शन ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क जोटा कि आपनकर 23.5 नॉर्थ डिग्री क्रॉस करे बुझी पाले। चलंतु जो आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टी रही सेटा आमर 8 इंडियन स्टेट देखिए क्रॉस करे कैगुड़ी को हैला गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोराम बुझी पाले। आउ गोटे कथा कहूँ आपको जो आपंकर माही रिवर अच्छी माही रिवर जे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करे के कट करे ट्वाइस बुझी पाले। चलंतु आशा करूँ ये भिडियोटी आपण इनफर्मेटिव रही थी जदि आपण ये भिडियो किसी भी नॉलेज गेन कर ताहले आपण LSS कर दिंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु आउ ए भिडियोर PDF टी आपण आम टेलीग्राम चैनल जाई नहीं पारे जो थे ए भिडियोर होल डिस्क्रिप्शन रही थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट डे।